सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से बिना उकसावे के किए जा रहे संघर्ष विराम उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दिया है। बीएसएफ और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि जम्मू में लगी 190 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका बेहद तनावपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान रविवार शाम से ही इस समूचे इलाके में भारी फायरिंग कर रहा है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ ने 19 जनवरी से अब तक मोर्टार के करीब 9000 गोले दागे हैं। पाकिस्तान द्वारा इलाके की शांति भंग करते हुए बीएसएफ की चौकियों और नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया था। उन्होंने कहा कि मोर्टार से की जा रही गोलीबारी गोला बारूद से दुश्मनों को जवाब देने के अतिरिक्त है। बीएसएफ ने कहा कि बल सटीक गोलीबारी का जवाबी कार्रवाई कर रहा है। बल ने दो छोटे वीडियो क्लिप्स भी जारी किए हैं, जिसमें कथित तौर पर तेल डिपो की तबाही को दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू सीमा का चिकन नेक इलाका भी पाकिस्तानी बलों की गोलीबारी का निशाना बना है, जो अब तक इससे अछूता था। यह जगह बीएसएफ की मकवाल और कानाचक सीमा चौकी के पास है। जम्मू इलाके में बीएसएफ की सभी सीमा चौकियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और वरिष्ठ कमांडरों को कहा गया है कि कम से कम अगले एक हफ्ते तक सीमा पर ही रहें। उन्होंने कहा कि घुसपैठ पर नजर रखने के लिए बल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गश्त भी बढ़ा दी है। हाय नमस्ते, दिस इज नेहा वग्गा एंड यू आर वाचिंग ग्लिप्स न्यूज़। हाय, मैं हूं मनु पंजाबी, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं ग्लिप्स चैनल मेरे साथ। सो कीप वाचिंग, लव यू गाइस। हाय, आई एम आलोक नरूला। और मैं हूं अंशु नरूला। और आप देख रहे हैं ग्लिप्स न्यूज़। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.glips.in।